ऐसा लग रहा है जैसे आपको भी किसी से प्यार हो गया, ऐसा है क्या? रॉली अभी कहाँ साथ चल रहा है? हाँ सॉरी मैंने कट एंड एक्शन बेबी क्या हो रहा है यार? ये टोल कर, ये टोल कर, ये कनेक्ट कर, तू अच्छा रेडी? अच्छा देखा मैंने कल गया ना वो। आप ये बताइए कैसा लग रहा है ये लुक? बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक लग रहा है? ये नया लुक है जय का। एक्चुअली ये आध्या के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उसको उसको लग रहा है कि उसके पास कोई ऐसा लग रहा है उसकी जो फीलिंग है जय के लिए वो सही है गलत है तो वो सोच रही है, तो उसको अब सब में जय दिख रहा है। तो जो हमारे ऑफिस के पीएन हैं उनमें उसमें भी उसको जय दिख रहा है, तो इसलिए हमें ऐसे आना पड़ा। जी जादू है, इसको जादू कहते हैं, प्यार का जादू। तो मेरा प्यार का जादू अभी आध्या पे चल रहा है, पर जय की साइड से ऐसा कुछ है नहीं। जय को अभी भी वो अपनी बहुत अच्छी दोस्त लगती है, तो बस उसी के आगे अब देखते रहिए कैसे एक कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट होता है। कौन सा वाला? हाँ अभी हुआ नहीं शूट ऐसा। हाँ ओके विल डू इट। आगे एक ये सीक्वेंस है कि जहाँ आद्या घर आती है, पर जी आपके और ऐश्वर्या के बीच में कुछ चल रहा है जी, तो कहीं उनका दिल तो नहीं टूटने वाला है? अब यार सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दिल है, किसी का टूटेगा किसी का जुड़ेगा। तो अरुण थोड़ा आप शो भी देख लीजिए कि सब यहीं पे यही देखते रहेंगे आप। लेकिन जानना जरूरी है। हाँ ऑब्वियसली काफ़ी बहुत अच्छा ट्विस्ट है, क्योंकि आद्या अपनी एक फीलिंग के साथ आ रही है, ऐश कुछ अपना अलग, ऐश्वर्या अलग कुछ प्लान कर रही है, तो उन दोनों की क्या बात होगी, क्या तकरार होगी आपस में, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बेचारा मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो सो रहा होता हूँ। हाँ जय ने कई बार उसके लिए काफ़ी कुछ किया भी है, और चाहे गेटअप्स की बात हो या उसको भगाना हो घर से, या चाहे किडनैप करना हो, चाहे चोर बनना हो, चाहे भूत बनना हो, तो काफ़ी कुछ तो बना है। और आज पीएन भी बन गया है, अच्छा काम कर रहा है, सबको कॉफ़ी चाय पिला रहा है। सो दैट्स रियली वेरी स्वीट ऑफ जय, एंड अब देखते ही आगे कैसे कैसे बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाले हैं।